तो ये आ गए अपने मोमोज, ये फ्राइड मोमोज है। फर्स्ट बाइट, फर्स्ट टाइम। टाइम हो रहा है लगभग 12 बज गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ खरगोन। अचानक से कुछ काम आ गया है तो सोच रहा हूँ खरगोन जाता हूँ और फटाफट से कर लेता हूँ। और एज़ यूजुअल मेरे साथ जा रहा है संतोष, संतोष का भी काम रहता है तो हम दोनों साथ में जाते हैं हमेशा, हमेशा की तरह, जो कि हमेशा होता ही है। तो निकलते हैं और कुछ सामान लाना वो ले आऊँगा, कुछ काम है वो भी कर लूँगा। मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी को तो पता ही, वैसे फिर बोल देते आपके सामने एक बार। मम्मी जाता है मैं खरगोन। खरगोन जा रही हूँ? हाँ जा रही हूँ। क्या लाना है? बस चाय पत्ती। चाय पत्ती चलो देख लूंगा और कुछ। और वो रियान को देखो उधर, बच्चों के लिए चॉकलेट है ना। नहीं रे बच्चों, रियान में जा रहा खरगोन। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything. क्या हाल है भवन भाई? बुखार जैसा लग रहा है तेरे, क्या हो गया? दिखाया डॉक्टर को? चल चले डॉक्टर पास, चले डॉक्टर पास। भवन की तबीयत काफ़ी ख़राब दिख रही है यार, इसकी भी तबीयत ख़राब है और इसकी भी तबीयत ख़राब है, दोनों की तबीयत ख़राब है। चलो दोनों को एडमिट करवा देता हूँ, हैं चले। पैसे 150 रुपया देगा ना दोनों का। ये मास्क है जरूरी, ठीक हो गया कम है पर तो गर्म लग रहा है थोड़ा सा, ये थकान थकान लग रही है। चल मौसम क्यों, अभी हवा कितनी चल रही है? हवा बहुत तेज चल रही है। कटिंग करवाने के लिए खरगोन में, और ये भैया हमारे गांव के इधर ही पे करवाई है कटिंग, यहाँ बारी पर रखते हैं। मेरी भी करवाना, इस भाई साहब की भी करवानी है। तो अभी कुछ ऐसे हैं बाल और फिर मैं देखते हैं कटिंग होने के बाद कैसे। अभी ये लोग थोड़ी देर बाद देखो whatever.
this ever, but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back eye disappear. खाना कैसे लग रही है नहीं ये वाला बता दिया मैंने लाखाल 500 रुपए निकाल। तो गाइस जैसे कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कटिंग करवा के भाई साहब के रूम पे, ये तो ये दोनों बीमार इंसान सो गए लेटे हुए। तो अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैंने सोचा कि कुछ खाते नया, बहुत दिन से कुछ नया ट्राई नहीं किया। तभी मंगवाया मैंने मोमोज, सुना बहुत है पर खाया कभी नहीं, देखा भी वीडियोज भी बहुत देखे हुए हैं, बट अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आ रहा है जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है ये, इनकी इनको इससे बीमार से बेचारे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ मंगाना पड़ा मेरे को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, खा लेना है। ठीक ठीक है दोस्तों, ठीक। तूने पहले कभी खाया मोमोज? नहीं खाया यार। तूने? रोज खाता हूँ। ये तो रोज खाता है, चलो ठीक है। मोमोज हाँ, आगे जोमेटो वाला भैया शॉप किधर है? ये राधा लव कस्तूरी होटल के जस्ट साइड में। अच्छा चलो थैंक यू है ना। तो ये अपने मोमोज आ चुके हैं, अभी जाते हैं ऊपर इस बिल्डिंग में खाते हैं। फिर ये आ गए अपने मोमोज, अब फटाफट से इनको निकाल लेते हैं इसमें। तो ये आ गए अपने मोमोज, ये फ्राइड मोमोज है, वेज फ्राइड मोमोज। तो साथ में ये चटनी वटनी दी हुई है दो, एक हरी लाल वाली पता नहीं काई काई की, ये भी नहीं पता है बना। तो इनमें थैली में डाल देते हैं, थाली में, और फिर खाएंगे लगा लगा के। तो दो टाइप की चटनी है इसमें, देखो ये सफेद वाली और देखिए लाल वाली है। टमाटर की लगी है क्या पता है, दही ऐसा लग रहा है, वो उसके साथ खाते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, इडली के साथ, वो तो नहीं। फर्स्ट बाइट, फर्स्ट टाइम, पहले ये सफेद वाला चटनी लगा के देखते हैं। सफेद वाली चटनी है, फटाफट से खाते हैं उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। तो मोमोज वगैरह खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर के लिए। निकले भाई साहब? हाँ तब निकलते घर और मिलते आपको सीधा घर। मोबाइल की चार्जिंग भी एकदम खत्म ही होने वाली है मतलब। तो गाइस जैसे ही हम लोग ये रूम से निकले और निकल के थोड़ा दूर गए थे, मतलब खरगोन से थोड़ा सा बाहर ही निकले थे कि टायर ही पंचर हो गया हमारा गाड़ी का। तो हम लोग वापस आ गए और पवन के रूम पे रुक रहे हैं आज रात। और हमारा दोस्त एक और रूम पार्टनर जो उसका संदीप, ये बना रहा है रोटी, देखो इतनी मस्त गोल गोल रोटियाँ बनाता है ये। कितने सिखा रहे सीखा? हाँ मैं पहले रहता था तो मैंने इसको सिखाया था रोटी बनाना, और आज भी ये भूला नहीं, एकदम गोल गोल रोटी बनाता है। तो रूम में देखो यही कुछ ऐसे बना बना के खाना पड़ता है खाना, पर मेरे को लगा नहीं था यार इतनी अच्छी बना लेता होगा एकदम गोल गोल। इसके लिए इसको अवार्ड दिया जाएगा। तो गाइस बताना आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी हर वीडियो बनने के साथ आपके पास पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं ब्लॉग में। पीछे की चीज़ें थोड़ा टांगी हुई है इधर सुखाने के लिए बीचों बीच, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।